हाय गाइस, वापस आ गया एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम करने वाले हैं रियल लाइफ जिम टेस्ट सैमसंग गैलेक्सी बड्स प्रो 2 का। तो इसे हम जिम में टेस्ट करने वाले हैं कि ये कैसे परफॉर्म करने वाला है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि इसे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप लोगों ने वीडियो देख लिया, अब बात करते हैं कि ये ईयरफोन किसके लिए है। सो इसे आप किसी भी सिनेरियो में यूज़ करें, ये गिरता नहीं है। पर वीडियो में जो आपने देखा वहाँ तो कभी गिरा नहीं, बट एक हफ्ते बाद जब मैं बेंच प्रेस कर रहा था तो मेरा लेफ़्ट ईयरबड गिरा था। तो उसके बाद फिर मैंने एक ईयरबड का साइज़ बढ़ा, तो आपको 3 ईयर टिप्स मिलते हैं, वो ईयर टिप जो बड़ा साइज़ वाला है वो डाला और फिर कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो ये चीज़ मैंने नोटिस किया कि जो पहले वाला वर्जन है वो इससे बड़ा था। तो जो सैमसंग बड्स प्रो है वो बड़ा है, और ये जो बड्स प्रो 2 है वो साइज़ में छोटा है। तो उस वजह से ये छोटे कान वाले लोगों को बहुत ही आराम से फिट हो जाएगा। अब अगर आप के कान बड़े हैं तो चांसेस है कि आपको, जैसे आप बेंच प्रेस और ऐसे एक्सरसाइज कर रहे हो जहाँ पे इस तरफ को गिरने का डर हो, वहाँ आपको बड़ा ईयर टिप डालना पड़ सकता है। तो बस वो चीज़ आपको याद रखना है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉइस आइसोलेशन इसका बहुत ही अच्छा है, नॉइस कैंसिलेशन भी इसका बहुत ही अच्छा है, और आपको साउंड क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा मिलेगा। ट्विन ड्राइवर का जो इसमें नया टेक्नोलॉजी आया है वो बहुत ही अच्छा है। तो आपको जिम में जो चाहिए, जो एक्स्ट्रा बेस चाहिए, वो सब है इसके अंदर, और आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से आपको साउंड कैसा चाहिए। ओके, तो एक चीज़ मैं बोलना भूल गया, तो अगर आपके पास आईफोन है तो मैं ये ईयरफोन आपको रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि आईफोन में इसका गैलेक्सी वेयर सॉफ्टवेयर काम नहीं करता। तो उस वजह से आप इसके फीचर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसमें बहुत सारे फीचर्स है ईयरफोन के अंदर जो आप, अगर आप आईफोन यूज़ कर रहे हैं, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आप इसको एक रेगुलर ईयरफोन की तरह यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें वॉल्यूम अप डाउन और जो आपका नॉइस कैंसिलेशन ऑन ऑफ, ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन ऑफ, वो सब कर सकते हैं, पर वो टच 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 करके वैसे कर सकते हैं, पर उनको आप सेटअप नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, बस बाकी सब ठीक है। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। अब आपको कोई और डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा इन्फॉर्मेशन वीडियो के एंड में और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस इतना ही इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। बाय बाय।